अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इस्मतुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी ए आई ओ यू। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रिजल्ट को अपडेट नहीं करेगी, वो तुलबा जिनको पहले पास किया था उनको अगेन से, जिनको फेल किया उनको अगेन से पास नहीं करेगी, तो मैं यूनिवर्सिटी को खुद कॉल करूँगा, उनसे तमाम मालूम जो है वो हासिल करूँगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने जो यूनिवर्सिटी को कॉल किया उस कॉल की मैंने रिकॉर्डिंग की है, रिकॉर्डिंग करने के यूनिवर्सिटी ने क्या बात बताई है, कब तक रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, तमाम तफसीलात इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बगैर आपको टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो वो सुनो जिनको अभी तक नहीं पता, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अगेन से रिजल्ट को अपडेट किया था। अपडेट करने के बाद जो तुलबा पहले पास थे उनको अगेन से फेल कर दिया था। यूनिवर्सिटी से मालूमात हासिल करने के बाद ये सामने आया है कि ये एक टेक्निकल इशू है, लेकिन यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई बात बता ही नहीं रही थी। तो मैंने खुद यूनिवर्सिटी को कॉल की है, कॉल करने के बाद तमाम बातें मैंने उनको बताई हैं कि पहले मैं पास था फिर फेल कर दिया, तो अभी अगेन से रिजल्ट कब तक अपडेट कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूं जो कि यूनिवर्सिटी से मैंने बात की है, उसके बाद आपको सारी तफसीलात बता देता हूं। वालेकुम सलाम जी, मैं अस्मतुल्लाह बात कर रहा हूं रुतपुर थल से जी। असल में मेरा जो रिजल्ट था ना इंटरमीडिएट का, हां वो रिसेंटली आया था, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो थे वो पास थे, लेकिन अभी जब मैंने 2-3 दिन पहले चेक किया है जो सब्जेक्ट्स पास थे उनको अगेन से फेल कर दिया है। इसके लिए फिर आपको सर हेल्प डेस्क से क्यूरी जनरेट करनी है, ठीक है जी। इसमें आपको हेल्प डेस्क से क्यूरी जनरेट कीजिए जी जी, फिर ठीक हो जाएगा। इशू आया, हाँ, रिजल्ट का क्या किया जाए जी जी, ठीक है वो आपको गाइड कर देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसको बताइए कि हेल्प डेस्क से क्यूरी जनरेट करें। अच्छा चलो ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो ये मैंने यूनिवर्सिटी को कॉल किया, उन्होंने कहा है कि आप एक क्यूरी क्रिएट करें। तो क्यूरी क्रिएट करने के हवाले से मैं इंशाल्लाह आज ही एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा कि क्यूरी किस तरह क्रिएट करनी है। तो ये यूनिवर्सिटी को मैंने कॉल किया, तो मेरे एफर्ट्स के लिए आपने वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर देना है, और अगर आप क्यूरी क्रिएट नहीं भी करते तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन आप रिस्क ना लें, आप क्यूरी क्रिएट करें या हेल्प डेस्क के ऊपर कंप्लेन करें। इंशाल्लाह जल्द ही वीडियो आ जाएगी कि हेल्प डेस्क के ऊपर किस तरह कंप्लेन किया जाता है, किस तरह रिजल्ट को आपने ठीक करवाना है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।